अस्सलाम वालेकुम। टिकटॉक अकाउंट आप लोगों ने मोनेटाइज करवाया, बड़ी मेहनत की आप लोगों ने, 10,000 फॉलोअर्स, 1 लाख व्यूज कंप्लीट करके अपने अकाउंट को मोनेटाइज करवाया। उस पर आप लोगों ने मेहनत की, अपने अकाउंट के ऊपर डॉलर्स भी बनना स्टार्ट हो गए, लेकिन एट द एंड क्या हुआ, आपका जो अकाउंट है टिकटॉक ने सिक्योरिटी इशू की वजह से डिमोनेटाइज कर दिया है। तो अगर आपका भी अकाउंट टिकटॉक ने सिक्योरिटी इशू की वजह से या आपका कोई जो अनओरिजिनल कंटेंट है उसकी वजह से आपका अकाउंट डिमोनेटाइज कर दिया है, तो आप लोगों ने ये वीडियो लाजमी देखनी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोग अपने अकाउंट को सिक्योरिटी इशू से बचा सकते हैं, और अगर आपके अकाउंट के ऊपर सिक्योरिटी इशू वाली प्रॉब्लम आ जाए कैसे आप लोग इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, और आपने कैसे अपने अकाउंट को दोबारा से मोनेटाइज करवाना है। ये मेरा एक अपना अकाउंट है जो कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल के जरिए मोनेटाइज करवाया था, और इसके ऊपर यहाँ पर देख रहे हैं डिस्क्वालिफिकेशन रीजन मेरे पास सारे सिक्योरिटी इशू। अब वो सिक्योरिटी इशू के अंदर बहुत सी चीजें बता रहे हैं, लेकिन हमारे मोबाइल के अंदर कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं की गई जिसकी वजह से हमारा जो अकाउंट है वो डिस्क्वालिफाई किया गया हो। तो फिर हम लोग कैसे अपने अकाउंट को दोबारा मोनेटाइज करवा सकते हैं, वो जानने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर टिकटॉक पर आपका अकाउंट डिमोनेटाइज हो गया या डिस्क्वालिफाई हो गया, तो सबसे पहले आप लोगों ने 2-3 सेटिंग्स करनी है। वो 2-3 सेटिंग्स आप लोगों ने कौन सी करनी है, ये आप लोग मेरा अकाउंट भी चेक कर लें। मिनी मिर्जा 3, ये मैंने बेसिकली अपने व्लॉग्स के लिए अकाउंट क्रिएट किया था, लेकिन मैं इतना टाइम नहीं दे सका इसे, लेकिन अकाउंट की जो रीच थी वो अच्छी खासी थी। खैर, आप लोगों ने सबसे पहला काम यह करना है कि आप लोगों ने अकाउंट सेटिंग में जाना है। अकाउंट सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके अपना फोन नंबर और ईमेल लाजमी आप लोगों ने ऐड करना है। जब आप लोगों का अकाउंट डिस्क्वालीफाई हो जाए सिक्योरिटी इशू की वजह से, तो फिर आप लोगों ने काम यह करना है कि किसी ऐसी डिवाइस के अंदर अपना अकाउंट लॉगिन करना है जहां पर आप लोग सिर्फ एक अकाउंट, एक टिकटॉक एप्लीकेशन के अंदर एक ही आप लोग जो अकाउंट है वो यूज करें। उसके बाद आपने अपना फोन नंबर और ईमेल दोनों आप लोगों ने यहाँ पर वेरीफाई करने हैं। वेरीफाई करने के बाद आपने कुछ दिन तक अपने उस अकाउंट के ऊपर वीडियोस अपलोड करनी है। ये आप लोग देख लें, ये 2 वीडियोस मैंने रिसेंटली अपलोड की हैं क्योंकि मैंने इस अकाउंट को दोबारा से मोनेटाइज करवाना है। अब 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की थी, अकाउंट डिस्क्वालीफाई हो गया, अब 2 वीडियोस न्यू अपलोड की हैं जिसकी मदद से मेरा जो टिकटॉक का अकाउंट है वो दोबारा मोनेटाइज होगा। एक सेटिंग नंबर ऐड करना है, ईमेल ऐड करना है दूसरे नंबर पे, जिस डिवाइस के अंदर भी आप लोगों ने अकाउंट को लॉगिन करके रखना है उसमें कोई और दूसरा तीसरा अकाउंट आप लोगों ने लॉगिन नहीं करना, सिर्फ यही अकाउंट लॉगिन करके रखना है। थर्ड नंबर पे आपने अपील करने से पहले 2-3 वीडियोस अपलोड करनी है, वही वीडियोस अपलोड करें जो आपकी रियल हो, रियल कंटेंट हो, ताकि टिकटॉक को भी जो अकाउंट अप्रूव करने में कोई इशू ना हो। अब ये सारे काम आप लोगों ने कर लिए, करने के बाद सिंपली आप लोग टिकटॉक स्टूडियो में जाएंगे। टिकटॉक स्टूडियो में जाने के बाद यहाँ पर आप लोग टिकटॉक क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम इसमें जाएंगे। क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं आपके पास रीअप्लाई का बटन आएगा। आपने अगर रिप्लाई कर दिया 7 दिन के बाद वो भी रिजेक्ट हो गया, तो फिर आप लोगों ने 30 दिन वेट करना है। 30 दिन वेट करने के बाद आप लोगों ने अपील करनी है। नीचे आप लोग देख लें, मेरे पास 5/26 यानी कि जो अब तो जून शुरू हो गया, मई की जो 26 डेट थी उसको मेरे पास जो रिप्लाई का बटन था वो मुझे रिसीव हुआ। अब सिंपली मैं रिप्लाई पे क्लिक करूंगा। अब रिप्लाई पे क्लिक करने के बाद अब मैंने टिकटॉक को बताना है कि भाई मेरा जो टिकटॉक अकाउंट है वो दोबारा मोनेटाइज किया जाए, लेकिन उससे पहले यू आर इनवाइटेड टू ज्वाइन, ये मैंने बेसिकली यूट्यूब के जरिए मोनेटाइज करवाया था इसलिए मेरे पास ये नोटिफिकेशन आया। सिंपली मैं ज्वाइन पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही मैंने ज्वाइन पे क्लिक किया, ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारा जो अकाउंट है, यू हैव ज्वाइन द क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम, यानी कि जो मेरा टिकटॉक का अकाउंट डिस्क्वालीफाई हुआ था वो ऑटोमेटिकली टिकटॉक ने मोनेटाइज कर दिया है। आप लोगों को अपील करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अब आपके केस के अंदर हो सकता है कि आपको अपील करने की जरूरत पड़े, अगर अपील करने की जरूरत पड़ेगी तो आपने टिकटॉक को बताना है कि मैंने कोई ऐसी मिस्टेक नहीं की तो आप मेरे अकाउंट को मोनेटाइज कर दें। मुझे लगा था मेरा जो टिकटॉक अकाउंट है वो दोबारा मुझसे अपील मांगेगा, लेकिन इसने मेरे पास अभी यहाँ पर अपील नहीं मांगी। और अगर मैं यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन के ऊपर चेक करवा दूँ, तो नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद देख लें, वेलकम टू क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम। हालांकि ये मैंने 2-3 मंथ पहले ज्वाइन कर लिया था, लेकिन वो दोबारा से मुझे उसने नोटिफिकेशन दिया कि दोबारा से ज्वाइन करो। अब मैंने इसे ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर देख लें, वेरीफाई आइडेंटिटी, सेटअप पेमेंट मेथड, ये 2 ऑप्शन मेरे पास आ रहे हैं। थर्ड ऑप्शन मेरा जो डिस्क्वालीफाई था वो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई है। बाकी इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड मेरा एक और टिकटॉक अकाउंट डिमोनेटाइज हुआ था, वो आप लोग मेरे टिकटॉक जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाएंगे, आपको वीडियो मिल जाएगी, वो वीडियो देखकर भी आप लोग अपने अकाउंट को दोबारा से मोनेटाइज करवा सकते हैं। तो देख लें, इस तरह से मेरा जो टिकटॉक अकाउंट है वो आप लोगों के सामने एक ही क्लिक के ऊपर दोबारा मोनेटाइज हो गया, मुझे कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।